क्वेश्चन है, यूज द डेटा इन दिस टेबल, टेबल दी आपके सामने, ये टेबल है, इस डेटा को हमें देखना है, और इसमें हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी दी हुई है अलग अलग सब्सटेंस की, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी ये रही, सिल्वर की सबसे कम होती है, ठीक है, 1.6 × 10⁻¹, ये सबसे कम रेजिस्टिविटी है, इसीलिए सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर है, यानी इसमें सबसे इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। उसके बाद कॉपर है, एल्युमिनियम है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है, ठीक है। कॉपर और एल्युमिनियम के वायर सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, सिल्वर के क्यों नहीं बनाते जब सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है? क्योंकि सिल्वर जो है एक बहुमूल्य जो है मेटल है, ठीक है, और फिर जो सिल्वर वायर है फिर उनकी चोरी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सोना चांदी जो है ये एक धातु, इस तरह की धातु है जिससे जो है क्या रत्न बनाए जाते हैं, ठीक है, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, तो अगर सिल्वर और गोल्ड के इनके वायर बनने लगे तो फिर वो चोरी की घटनाएं बढ़ जाएंगी, तो इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम, फिर ये महंगे भी हैं, सिल्वर और गोल्ड बहुत महंगे हैं, इसलिए इनके वायर नहीं बनाए जाते, किसके बनाए जाते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम के, जो सेकंड और थर्ड पे यहाँ देख रहे हो, इनकी भी रेजिस्टिविटी बहुत कम है और सबसे कम सिल्वर की है, ठीक है। उसके बाद और भी हैं, फिर अलॉयज आते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी मेटल्स से थोड़ा हाई है, ठीक है, मेटल्स से हाई है, पर इनमें करंट फ्लो हो सकता है और ये करंट को रेजिस्ट भी अच्छा खासा करते हैं, तो इनसे हीट जनरेट हो जाती है, करंट जब हम इनमें फ्लो कराते हैं तो ये हीट जनरेट करते हैं। इंसुलेटर में करंट फ्लो होता ही नहीं है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं होगा। ये ग्लास भी यहाँ इंसुलेटर में आएगा, ठीक है, तो ग्लास है, हार्ड रबर है, एबोनाइट है, डायमंड है, पेपर है, वुड है, ये सब क्या है? ये इंसुलेटर है, इनमें करंट फ्लो नहीं होता, डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, और यहां पर करंट जो है इजीली फ्लो करता है, करंट फ्लोस इजीली, क्लियर हो गया, यहां पे करंट फ्लो करता है तो हीट जनरेट होती है। अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर, आयरन और मर्करी में बेटर कंडक्टर कौन होगा बताओ। अब टेबल में देखोगे तो आयरन जो है ये रहा, आयरन की रेजिस्टिविटी 10⁻¹ है, और मर्करी की रेजिस्टिविटी ये है 94⁻¹, या हम इसे लिख सकते हैं 9.4×10⁻⁷, ये इसके रेजिस्टिविटी है, तो किसकी रेजिस्टिविटी कम है? आयरन की, आयरन की कम है मर्करी से, तो आयरन जो है मर्करी की तुलना में ज़्यादा अच्छा कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। और कैसे लिखेंगे देखो, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है पहले क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 10⁻¹ ओम, ओम क्या है वो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई, और रेजिस्टिविटी ऑफ मर्करी, मर्करी इज 94×10⁻¹ ओम, तो रेजिस्टिविटी किसकी कम है? इसकी 10 है, उसकी 94 है, तो आयरन की कम है, तो इसलिए वो बेस्ट कंडक्टर होगा इन दोनों में, तो हम लिखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेस देन मर्करी सो दैट आयरन इज बेटर कंडक्टर, बेटर कंडक्टर देन मर्करी, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया, अब हमें सेकंड का आंसर करना है। अब सेकंड देखो, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर, बहुत बहुत इजी है, सेकंड क्वेश्चन में विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल, हम इसे लिख देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल जो दी हुई है, फ्रॉम टेबल, चैप्टर की सेकंड टेबल है 12.2, यहाँ पर देखो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है? सिल्वर की है यहाँ पर, और यही बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टिविटी
ऑफ सिल्वर इज लोएस्ट सो दैट सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर सो दैट सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर क्योंकि जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वही उतना ज्यादा जो है करंट को फ्लो कराने में सक्षम होगा, ठीक है, तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर हो जाता है। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखें।